नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 समाचार। कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है, पर अपनी जरूरतों और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे प्रदेश में काम से गए हुए थे। अब उनके सामने विकट की समस्या आने लगी है। लोग सड़कों पर पैदल ही निकलकर अपने परिजनों के पास पहुंचना चाहते हैं। ऐसे लोग फिरोजाबाद के सड़कों पर मिले जो बहुत परेशान थे और अपना दुखड़ा भी नहीं रो पा रहे थे। दरअसल फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे पर कुछ युवक एकजुट सड़क किनारे बैठे दिखे। तब उनसे पूछा गया कि वो कहां से आ रहे हैं और कहां जाना है। ऐसे ही कई सवाल थे जो उनसे पूछा गया। तब युवकों ने बताया कि वो लोग हरियाणा के रोहतक जिले से पैदल चलकर आ रहे हैं। किसी को मैनपुरी जाना है तो किसी को लखनऊ तो किसी को औरैया। युवकों ने बताया कि वो हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करते हैं। लॉकडाउन के बाद उन्हें वहां से भगा दिया गया। कंपनी ने साफ कह दिया, यहां कोई व्यवस्था नहीं, आप अपना रास्ता देखें। वही तीन युवक और दिखे जो साइकिल से औरैया जा रहे थे। उन्होंने बताया वो एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। पैसे खत्म हो गए, अब जीने के लिए कुछ भी नहीं रहा। तब फैसला किया कि अपने गांव पहुंच जाए ताकि जो मुसीबत अचानक आ गई है उसका सामना अपनों के साथ मिलकर कर सके। ये सभी सैकड़ों मिल चलकर अपने घरों तक पहुंचने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। TV24 समाचार के लिए फिरोजाबाद से नरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। निकाला नहीं, बंद हो गई थी लॉकडाउन, अब कब खुलेगी क्या पता। ऐसा वैसा अभी पैसा सैलरी 10 तारीख के बाद ही मिलती है, अभी क्या पता। सैलरी भी नहीं मिली, सैलरी पिछली मिल गई 7 तारीख को, अब ये थोड़ी मुझे मिल जाएगी। साइकिल से आप लोग कितने लोगों साइकिल से जा रहे हैं? अभी 3 लोग हैं। साइकिल से ही आप वहाँ फरीदाबाद से? हाँ जी, और यह साइकिल से ही जाओगे? हाँ। सरकार की तरफ से कोई आपको भेजने की व्यवस्था? व्यवस्था क्या, आप साइकिल के लिए तो कोई सवार ही नहीं, कि बस में भी नहीं रख सकते। कोई व्यवस्था अलग से नहीं की गई सरकार द्वारा आपके? नहीं। आप घर पहुँच सके सुरक्षित? अपना यही है साइकिल सुरक्षित। साइकिल से जा रहे हो? हाँ जी। कब कब चले थे फरीदाबाद से? सुबह 6 बजे। हाँ जी, रात के 11 बजने वाले हैं। हाँ, फिरोजाबाद पहुँचे हैं। हाँ जी। खाना वाना मिला? हाँ, रास्ते में खाना चाय वो सब हो रहा है। जी अमित कुमार तिवारी। अमित, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? जी हम हरियाणा के रोहतक जिले से आ रहे हैं। किस कंपनी में काम करते हैं? जी हिंदुस्तानी यूनिलीवर में करते हैं, हसनगढ़ रोहतक। आपके साथ कितने लोग हैं? जी हमारे साथ ये सब भाई बंदी जो पीछे आप देख रहे हैं 14 लोग हैं टोटल संख्या है। क्या हिंदुस्तान लीवर में काम करते हैं? जी सर। क्या कंपनी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई लॉकडाउन? कंपनी की तरफ से लॉकडाउन के बाद कोई व्यवस्था नहीं कर दी गई और सभी को अपनी छुट्टी दे दी गई है 14 अप्रैल तक। जैसा कि अपना रहिए, आप अपना जता रहे। कंपनी में कब से काम कर रहे हो? कंपनी में हमको हो गए करीब 5 महीने हो गए, ये भी भाई लोगों को 6 महीने से अधिक हो चुका है। कंपनी ने कोई घर भेजने की व्यवस्था नहीं? नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। क्या कहा कंपनी कि आप लोगों की छुट्टी है, भी ऑफ रहेगा, ना ही कोई इसका हमें दिया गया है रहने या खाने का, पैसा भी नहीं दिया गया है। कैसे घर पहुँच रहे हो? कि हम लोग तो बड़ी प्रॉब्लम से निकले हैं, कल वहाँ दोपहर के 2 बजे निकले हैं और रात के यहाँ 9-10 बजे हैं। इस टाइम 24 घंटे के ऊपर हो चला टाइम। पैदल पैदल आ रहे हैं? यहाँ पैदल ही आए हैं। यहाँ से कहाँ जाना है? मैनपुरी जाना है और हमें लखनऊ भी जाना है। भाई लोग सब मैनपुरी पहुँचेंगे। आप पैदल ही जाओगे? हाँ, पैदल ही जाएंगे। साथ में कहीं मिलता है मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं। सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई भी आने जाने की कोई साधन नहीं मुहैया कराया गया। कृपया अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं।